जल्दी का आपके करियर पे आ गया आपने इस 25 सालों के साथ कैसे जोड़ दिया तो मुझे पता नहीं, मगर मैं कहूँगी औरत होते हुए मुझे ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगती है और मुझे लगता है सारी औरतों को आप कभी खुश करना चाहें तो उन्हें कोई ज्वेलरी की अच्छी सी सुंदर सी चीज़ दे दीजिए तो वो बड़ी खुश रहेंगी। और आज तनिष्क के लिए यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे भी उनकी ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लगी जो कि मैंने पहना है, मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत है। एक तो टाटा एंटरप्राइज है, उनका नाम सुनकर ही एक क्रेडिबिलिटी मेरे दिमाग में आती है। दे आर अ ब्रांड विच स्टैंड फॉर क्वालिटी, ट्रस्ट, एथिक्स। तो उनसे ज्वेलरी खरीदना मुझे लगता है किसी की ज़िंदगी में एक बहुत अहम बात होती है क्योंकि ये जब आप ख़रीदते हैं आप कभी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को दूंगी या ये आगे बढ़कर यू नो फैमिली में रहेगा, और फिर आप पैसे जोड़ते हो, लोग पैसे जोड़ते हैं ज्वेलरी ख़रीदने के लिए। जब ख़रीदने जाते हैं तो एक ट्रस्ट होना चाहिए ज्वेलर के साथ, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो टू बाय ज्वेलरी, एंड आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस ब्यूटीफुली व्हेन इट्स अ तनिष्क पीस बिकॉज यू नो कि जो वो कह रहे हैं, जो वो आपको दे रहे हैं, इट्स द बेस्ट क्वालिटी, द क्राफ्ट्समैनशिप इज़ ऑफ अ टॉप क्वालिटी, और सिर्फ कस्टमर के साथ ही बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते, ये उनसे भी अच्छा बर्ताव करते हैं जो कि बैठकर ज्वेलरी बनाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी क्रेडिबल ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद। व्हेन आई एंडोर्स, एक्चुअली आई हैव वॉक्ड द रैंप फॉर वन और टू, वंस और ट्वाइस आई हैव वॉक्ड द रैंप फॉर एन IIJW शो। So, with Tanish, this is my first time. आज सिर्फ ज्वेलरी की बात करिए वरना वहाँ से इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। When I do a film, I look for a good script. चाहे वो बायोपिक हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, जो भी हो, जब स्क्रिप्ट कोई अच्छी आती है मेरे पास तो मैं करना चाहूँगी। ये मैं आपको सोच के बाद में किसी और इंटरव्यू में बताऊंगी क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ पर नहीं चल रहा है। हमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें पहनती हूँ क्योंकि उसके बिना सूना सूना सा लगता है, तो मैं कुछ छोटे सी बालियाँ पहनती हूँ। मेरी एक रिंग है थोड़ी डायमंड की जिसमें ओम लिखा हुआ है, तो मुझे वो बड़ी जी। चलिए मैं इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं सबको देती हूँ। फ्रीडम मेरे लिए क्या है? फ्रीडम मेरे लिए ये है कि मैं भारत में रहती हूँ और जो काम मैं करना चाहती हूँ मैं वो कर पाती हूँ। एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं दूसरे देशों में, बहुत सारी औरतें हैं दूसरे देशों में जो ये नहीं कर पाती हैं, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने देश का कि वो हमें ये छूट देता है, ये फ्रीडम देता है कि अगर आपका कोई सपना हो तो आप उसको यहाँ पर पा सकते हैं। आपको एजुकेशन चाहिए, करियर चाहिए, दरवाजे खुल जाते हैं, बस आपकी चाह चाहिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं एक भारतीय नारी हूँ।